हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंटरटेनमेंट एंड पीसी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने पीसी की ग्राफिक्स को चेक कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे एक ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप इसे दबा दीजिए और इस घंटे को दबा दीजिए, और जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं काफ़ी सारी यूजफुल वीडियो जो आपके काफ़ी काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडोज R दबा देना है। तो इससे दबाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर आपके पास रन का एक फोल्डर आ जाएगा, या फिर आप विंडोज में आकर यहाँ पर सर्च में RUN रन लिख सकते हैं और एंटर दबा दीजिए, तो यही आ जाएगा आपके पास एक फोल्डर। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये स्पेलिंग टाइप करनी है DXDIAG, ठीक है, यानी डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है, और फिर ओके। तो इसे दबाने के बाद में आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, तो इससे आप अपने हार्डवेयर या ग्राफिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डेट एंड टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चर और सिस्टम मॉडल, BIOS, प्रोसेसर, मेमोरी, पेज फाइल, डायरेक्ट एक्स विजन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अगला है डिस्प्ले। अगर आपको जानना है आपका ग्राफिक्स क्या है, तो यहाँ पर आपका ग्राफिक्स आपको दिखा देगा, नेम क्या है, आपको जो भी ग्राफिक्स होगा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, और आप अपने ड्राइवर्स को भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्राफिक्स की जो भी मेमोरी होगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद में साउंड में आपके जितने भी हार्डवेयर लगे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ड्राइवर्स भी चेक कर सकते हैं अपने। और इसके बाद में इनपुट में आप यहाँ पर माउस और कीबोर्ड है वो आप अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने हार्डवेयर और ग्राफिक्स कार्ड दोनों को चेक कर सकते हैं इसके कारण डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल की मदद से। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप शेयर करो, लाइक करो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ये बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और इस वीडियो को जितना उसके लाइक करो। थैंक यू।